पी वाई के वाला में आपका फिर से स्वागत है। इस बार का जो पी वाई के है वो अक्टूबर 2014 में पूछा हुआ है 2 मार्क्स के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते क्या है। अक्टूबर 2014 का है, अक्टूबर 2014 का 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या है, एन ए सी सर्किट कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर दिया हुआ एल, एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 125 मिली हेनरी। मिली मतलब 125 इंटू 10^-3 हेनरी। ओके नेक्स्ट, कनेक्टेड इन पैरेलल विद कैपेसिटर सी, सी दिए हुए, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 50 माइक्रो फैरड, कितना है 50 माइक्रो फैरड। 50 माइक्रो मतलब कितना 10^-6 फैरड, मतलब कितना 5 × 10^-5 फैरड। ओके नेक्स्ट, डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या पूछा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब फार, क्या पूछा है एफ आर। चलिए सॉल्व करते हैं, एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है 1/2π√LC। चलिए 1/2π, पाई की वैल्यू कितनी 3.14 इंटू √L, एल एल की वैल्यू कितनी हमारे पास 125 × 10^-3, 125 × 10^-3। और सी की वैल्यू कितनी है 5 × 10^-5। ठीक है चलिए 1/6.28 इंटू √5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 625 इंटू कितना 10^-8। ठीक है चलो 625 का क्या हो जाएगा, बाहर आने के बाद 25 हो जाएगा, 1/6.28 इंटू 25 इंटू √ में कितना बनने वाला है -8, -8 स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद कितना हो जाएगा -4, 1/6.28 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 100/4, 25 को कैसे लिख सकते हैं हम 100/4, और 100/4 मतलब 10^2/4। चलो कितना लिखेंगे 10^2/4 और 10^-8 का बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा -4, -4 और +2 कितना, -4 और +2 -2 और अंडर ऊपर जाएगा अपना 4। या फार इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, 4 / का 6.28, 6.28 इंटू कितना -4 और +2 -2, 4 / 6.28, 10^-2 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा +2। चलिए आंसर निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कितना है 0 है, कैरेक्टरिस्टिक कितना है 0 है, क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए क्या देखना है, 40 का 0 कितना 6021 है, 6021 है। ओके 62 का 8 देखा तो कितना है 7980 है, 7980 है। चलो 1 में से 0 1 12 9 5 15 -1 1 bar 8 0 4 एंटी लॉग लगाएंगे। 80 का 4 and 1 एंटी लॉग में क्या देखना है, 80 का 4 कितने हमारे पास 6368 है और मीन डिफरेंस में 1 की वैल्यू कितने 1 तो 6369 है, कितना है 6369 डेसिमल यहाँ पे इंटू 10^-1 तो कितना आंसर बनेगा 6.369 इंटू 10^-1 इंटू 10^+2 तो कितना आंसर बनेगा 6.369 इंटू 10^+1 यूनिट क्या रहेगा फ्रिक्वेंसी है तो अर्ट्स, वैनिश कर दो 63.69 अर्ट्स। इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं।